नमस्कार दोस्तों, पंजाब में जो खालिस्तान सपोर्टर्स ने अपनी गतिविधियां शुरू की थी, उनको खत्म करने के लिए हमारी एजेंसियां, पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव हो गई हैं। और पिछले 4-5 दिन का जो घटनाक्रम है वो आपसे छिपा नहीं रहा है। अमृतपाल सिंह फरार है या हिरासत में ले लिया गया है, इसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि 80,000 पुलिस वाले अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन क्या पता अमृतपाल सिंह पुलिस की हिरासत में हो और उससे कोई पूछताछ की जा रही हो। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा घटनाक्रम विदेशी धरती पर शुरू हो गया, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन, वहां से तिरंगे को जबरदस्ती उतार देना, खालिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश, और जो अमेरिका में हमारा वाणिज्य दूतावास है उस पर खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन, ये सब चिंताएं बढ़ा रहा है और साथ ही साथ कुछ सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सिख कम्युनिटी और पंजाब के जो मूल वासिंदे लोग हैं, वो क्या अपने आप को हिंदुत्व से या हिंदुस्तान की परिभाषा से अलग रखते हैं? कुछ बहुत सारे पुराने तथ्य हैं जो इस बारे में ये साबित करेंगे कि जो विचारधारा एक पनप रही है अलगाववाद की, वो कतई भी सही नहीं है। इस मामले में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अशोक बालियान जी। नमस्कार नमस्कार जी। अशोक जी अक्सर हमारे चैनल पर आते हैं और उनका जो रिसर्च वर्क है उसका लाभ हमें मिलता है। तो अशोक जी, थोड़ा सा ये बताइए कि अमृतपाल का तो किस्सा वैसे सभी हम लोगों का देखा वाला है कि क्या इसका डेवलपमेंट है, किस तरह से हुआ। थोड़ा सा अमृतपाल के बारे में बताएं कि ये कैसे अलगाववादी उसमें राजनीति में आया, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए हर्षी, ये दीप सिद्धू, जब ये दिल्ली में किसान आंदोलन चला, आपने देखा होगा कि दीप सिद्धू जो पंजाब का एक गायक भी था और वो काफी चर्चित हुआ था लाल किले पर एक धार्मिक रिलीजन के फ्लैग को वहां फहराने के लिए, और उस पर केस भी दायर हुआ। उस वक्त ये अमृतपाल सिंह जो है दुबई में बैठा हुआ था, अपना कारोबार कर रहा था। लेकिन मैं अभी परसों तरसों देख रहा था हस्ती के, उस वक्त भी ये दिल्ली में जो सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पर आंदोलनकारियों को उकसाने का काम कर रहा था। तो उसके बाद ये दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद ये जो अब पुराने आतंकवादी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला थे, उनके गांव में इसने उनकी दीप सिद्धू की एक्सीडेंट में मौत के बाद, ये उनका जो संगठन था वारिस पंजाब जो है, उसका ये अपने आप ही स्वयं भू मुखिया बन, और इसने उसका उद्देश्य तो रखा कि नहीं हम रिफॉर्म करेंगे, युवाओं को नशे से दूर करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे भारत को अस्थिर करने के लिए और भारत से खालिस्तान अलग राज्य को की मांग को लेकर युवाओं में जहर भरने का काम शुरू किया। तो ये कोई एक दिन में नहीं तैयार हुआ, ये दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के वक्त से ही। हर्ष जी, जो लोग कनाडा में और पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि आज जो कनाडा में और सॉरी और अमेरिका में जो हमारे वाणिज्य दूतावास और दूतावास पर जो हमले हुए हैं या वहां पर खालिस्तान का झंडा फहराने का हुआ है, वही लोग किसान आंदोलन में थे। तो इसका मतलब क्या है कि वही ताकतें जो अमृतपाल सिंह उस वक्त दुबई में बैठा हुआ उन ताकतों के टच में था, आज भी उन्हीं ताकतों के टच में पंजाब में ये अलग खालिस्तान की मांग को लेकर के युवाओं में जहर भरने का काम कर रहा था। हर्ष, इसमें एक और भी जानकारी अशोक जी आई है कि जो एक शख्स अरेस्ट किया है, खांडा पता नहीं क्या करके नाम है उसका, जो ब्रिटेन में हमारे कॉन्सुलेट पे जो कल हमला हुआ, वो बताया जाता है कि वो अमृतपाल का गुरु था। ये उसे ग्रूम इसी ने किया है, अमृतपाल को उसी ने तैयार किया है, वो कल अरेस्ट हुआ है वहां पे। ये भी जानकारी इस हाँ मामले बिल्कुल, एक आदमी ब्रिटेन में, खबरें आई है कि कोई, जब भारत सरकार ने ब्रिटेन के समक्ष जो है इसको विरोध को जता के ये इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, तो तब वहां एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। और ये तो होता ही है, कोई ना कोई आतंकवादी, कोई ना कोई अलगाववादी कहीं से ना कहीं से हर्षी वो एक प्रेरणा लेता है, और वो प्रेरणा उन लोगों से लेता है जो किसी भी देश की सरकार को या देश को अस्थिर करना चाहते हैं या देश को तोड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा हमेशा जितने भी संगठन दुनिया में बने वो इसी तरह की सोच के आधार पर बने।
चाहे वो फिदेल कास्ट्रो के समय पर हम देखते हैं कि क्यूबा में बना था, और चे गेवारा को बहुत ज्यादा हमारे देश के कम्युनिस्ट लोग भी उसको, और जेएनयू में भी हमारे जो ये इस तरह की सोच के लोग हैं आज भी उसका नाम लेते हैं, जबकि फिर वो बाद में पेरू में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था चे गेवारा जो है, क्योंकि उसने शुरू में तो ये लोग आते हैं कि भाई नहीं हम रिफॉर्म का काम करेंगे समाज में, लेकिन बाद में देखा कि ये सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं और सशस्त्र विद्रोह करते हैं, और यही अमृतपाल सिंह उसी राह पर जा रहा था कि सशस्त्र विद्रोह की तरफ जाए, युवाओं को पंजाब में तैयार किया जाए जैसे जनरल सिंह भिंडरावाले ने किया अच्छा, भिंडरावाला था। का जब जिक्र आता है तो एक थोड़ी सी बात हमेशा से सवाल उठता है, मैं यहां से थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहूंगा आपसे, कि क्या भिंडरावाला की भी सोच ये थी कि साहब हम हिंदुओं से अलग हैं, हम सिख अलग होते हैं, हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस आइडियोलॉजी को ये आज फॉलो करने लगे हैं? हाँ हर्षी, ये आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया कि भिंडरावाले ने पंजाब में सिखों के अंदर और खासकर नौजवानों के अंदर इस सोच को भरने का काम किया था कि सिख और हिंदू दो अलग अलग धर्म है, जबकि ऐसा नहीं था हर्षी। इस पर तो जब हम और आप आगे इस पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि ब्रिटिश समय से जब ये एक मैक्स मैकलिक नाम का एक अंग्रेज जब यहाँ कमिश्नर बना पंजाब में आकर 1800, ये बात है हर्ष जी लगभग जो है 1882 में, तो तब तब से पहले आप पुरानी फोटो स्वर्ण मंदिर की उठा के देखो, वहां पर आपको हिंदू महंत मिलेंगे, सिख महंत मिलेंगे, ज्वाइंट रूप से इकट्ठा रहते थे। तो भिंडरावाले ने हिंदुओं की हत्या की शुरू में, और जो हिंदुओं की हत्या का सिख विरोध कर रहे थे उन सिखों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और लेकिन बाद में सरकारों ने उस चीज को भुला दिया क्योंकि देश बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा था, लेकिन ये सारा का सारा जो बीज बोया गया था हर्षी, वो उस अंग्रेज जो वहां पर अधिकारी आया था मिस्टर मैक्स मैकलिप, उसके उसके कार्यकाल में ही बोया गया था, वरना उससे पहले नहीं था हर्ष। इसके बारे में विस्तार से बताइए, मैक्स मैकलिफ की बैकग्राउंड और किस तरह से ये चीजें बढ़ी, जरा वहां से आप शुरू कीजिए हाँ फिर। देखिए क्या क्या था ये, आपको मैं अगर थोड़ा और पीछे ले जाऊं तो 1857 में जब ये अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई थी तो सिखों ने मना कर दिया था कि हम इस क्रांति में भाग नहीं लेंगे, और उसका कारण उन्होंने बताया था कि जो आपने देखा होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पर हमला किया और बहादुर शाह जफर को अपना नया सम्राट घोषित किया था उन्हें, लेकिन सिख इस बात से नाराज थे कि हमने और हमारे गुरुओं ने और हिंदुओं ने मिलकर अत्याचार से आए हैं मुगलों का, और बड़े पैमाने पर उनके धर्मांतरण को जो कश्मीर में हो रहा था उसको रोकने का काम हमारे गुरुओं ने किया है, और जो गुरुओं के साथ हिंदू थे उन्होंने काम किया था। तो हम तो मुगलों को ये बादशाह देखो कैसे आप, मान लें? ये कितनी बड़ी बात थी, और आज इनको फिर भारतीय सिपाही जो विद्रोही सिपाही है वो बहादुर शाह जफर को फिर अपना सम्राट घोषित कर रहे हैं, तो ये कदापि स्वीकार नहीं होगा कि एक विदेशी सत्ता को हटाने के लिए जो मुगल विदेशी थे उनको हम सत्ता सौंपे। तो ये चीज ये अधिकारी जानता था कि 1857 में क्या हुआ था, तो इस अधिकारी ने आकर फिर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था सिख रिलीजन इट्स ये गुरु। अधिकारी वैसे था क्या, ये मतलब किस तरह का अधिकारी था, किस? ये पंजाब का डिप्टी कमिश्नर बना था 1882 में, और ये अच्छा। पंजाब में आया था 1864 में, और भारतीय ये इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुआ था यात्री यहाँ। अच्छा। जी, तो इसने एक किताब लिखी 1909 में, और 1909 में किताब लिखकर ये बता कि किस तरह मतलब इसकी हिंदू किताब से ये धर्म, खुलासा हिंदू हुआ जो धर्म आप यानी बता कि रहे हो? सनातन धर्म जो है सिख धर्म उससे अलग है। नहीं, मतलब जो इसने बाद में किताब लिखी उससे ये पता लगा इसकी विचारधारा के बारे में, जो बता रहे हैं उन्नीस हाँ, सौ में पहली बार लिखी। इसने एक अपनी किताब में पहली बार इसने एक थ्योरी दी कि सिख धर्म बिल्कुल अलग धर्म है और ये सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, जबकि उससे पहले जितने गुरुद्वारे थे उनमें सब पर हिंदू महंत ही उनका वहां सेवादार के रूप में कार्य करते थे, लेकिन इस अधिकारी के आने के बाद में और इसकी किताब लिखने के बाद में एक विचार उपजा हर्ष जी, जो बहुत ही घातक विचार हुआ कि सनातन धर्म का हिस्सा सिख धर्म नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
और सिख धर्म, ये सारे के सारे धर्म जो है सनातन धर्म की एक शाखा है जो उससे निकले हैं, और लेकिन उससे इनको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1925 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनी, और जो हिंदू महंत गुरुद्वारों में रहते थे उन सब पर कोई ना कोई आरोप लगाए गए, क्योंकि उनको हटाना था, और उन आरोपों को लगाने के बाद में उनको हटा गया। उस वक्त बहुत सारे सिखों ने हर्ष जी ये आंदोलन भी किया था। उस समय मुझे लगता है कि कुछ मैरिज एक्ट वगैरह में भी बदलाव हुआ था सिखों के इसमें। हाँ बिल्कुल हर्ष जी, फिर क्या किया कि अंग्रेज अंग्रेज जानते थे कि सिखों को अलग किया जाए, क्योंकि 1857 में उन्होंने देख लिया था कि सिखों ने हिंदुओं से एक अलग अपनी राय ली थी कि हम बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करने के पक्ष में हालांकि नहीं वो है। जो उनकी राय थी सिखों की वो लॉजिकल थी एक तरह से देखा जाए तो, बिल्कुल लॉजिकल थी ये हर चीज। लॉजिकल ये थी कि भाई एक विदेशी आक्रांता को भगाने के लिए दूसरे आक्रांताओं को हम क्यों अपनी सत्ता सौंपे। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये तो मेरी आपकी पहले भी हर्षी बात हुई थी कि बहादुर शाह जफर तो अंग्रेजों को भी चिट्ठी लिख रहा था कि मैं दिल्ली का एक दरवाजा खोल दूंगा और रात को आपकी फौज आकर भारतीय सिपाही पर हमला करेगी, लेकिन उसके बदले में आप मेरी पेंशन को जारी रखना। हाँ जीनत महल उसकी पत्नी ने मेरठ के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, उनके बेटों ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। इसीलिए तो हर्ष जी मिस्टर हडसन जो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, और इसको जो हीरो के रूप में पेश किया गया, आपके बीच में मैं आपका समय लूंगा, ये पालकी में बैठ कर रहा था हाँ हुमायूं के किले से। जब इसको गिरफ्तार किया गया, पालकी में बैठने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई थोड़े लड़ सकते हैं, बिल्कुल सही और बात हडसन ने इसके दोनों बेटों को भी इसने गोली मारी थी कि है। उसने मेरठ के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हम भारतीय सिपाहियों के लिए को मारने के लिए एक दरवाजा खोल देंगे दिल्ली का, और वहां से हमला कर सकते हैं। तो अंग्रेज इस बात को जानता था कि नहीं तो ये भारतियों का हुआ और नहीं ये ब्रिटिश का है, एक ये तरफ ये तो भारतीय के साथ है, एक तरफ ये बहादुर ब्रिटिश शाह के जफर साथ है। तो वैसे भी जो है बुढ़ापे में तो बादशाह बना था, और हमेशा शेरो हाँ शायरी में मिर्जा गालिब और इन सब की वो जोंक इन सब की शायरी में डूबा रहता था। इसके अलावा तो कोई ऐसा आता नहीं था, कोई स्किल था नहीं इसके पास। हाँ तो इसीलिए हंस जी 1920 में आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ, वरना उससे पहले जितने भी सिख भाइयों के यहाँ शादी के प्रोग्राम होते थे सब में जिस तरह सनातन धर्म में आकर जो है पंडित जी आकर उनके फेरे कराते हैं, सेम वही चीजें होती थी। तो ये तो मिस्टर जो महेश थे, हाँ उसके बाद फिर आनंद कारज वाली परंपरा चली जो हाँ वो आई, मुगलों की। तो उसने धीरे धीरे जो है ये भ्रम पैदा किया कि सिख धर्म बिल्कुल अलग धर्म है, और उसी का फायदा उठाया फिर जनरल सिंह भिंडरांवाले जैसे जो अलगाववादी नेता थे, जो आतंकवादी नेता थे, और आज उसी राह पर फिर जो है अमृतपाल सिंह चल रहे हैं। ये अच्छा, एक इसमें बहुत बड़ी इसमें जो है कुछ अंग्रेजों की चाल थी। थोड़ा सा पंजाब के मैं जो डेमोग्राफी है उसके बारे में भी जानना चाहूंगा आपको, कि वहां सिख आबादी कितनी है और हिंदू आबादी का क्या रेशो रहा है, और ये समय के साथ कैसे चेंजेज इसमें आए हैं। हाँ बिल्कुल हर्ष जी, आपने बहुत सही ये सवाल किया है। देखो जब ये इसका मिस्टर मैक्स का ये जो थॉट था जब ये आया, उस वक्त बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ने सिख धर्म को अपनाया, और ये देखो बहुत तेजी से वहां की जनसंख्या में 10% का चढ़ाव आया, यानी कि उस वक्त तक जब जब मिस्टर ये मैक्स थे तब 50-50% जो थे वहां सिख थे, 50% हिंदू थे। इसके बाद में फिर रेशो हुआ वहां पर लगभग 58% जो है आज सिख भाई हैं, और 4% जो है हिंदू हैं, और बाकी 2% में क्रिश्चियंस या दूसरे या धर्म के लोग रहते हैं वहां। तो ये भी बदलाव जो है उन्हीं के आने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले न तो कोई हिंदुओं का थोट था ऐसा, न वहां सिख अपने सिख भाइयों का थोट था, और सारे सिख भाइयों के साथ तो जितने बलिदान हुए, चाहे औरंगजेब ने वहां पर हत्या किया गुरुओं की, उनके साथ में तो सारे सिस्टम के जो बलिदान हुए उनके साथ में सारे हिंदू भाई थे। तो ये हाँ। तो कोई भेदभाव रहा ही नहीं और बिल्कुल देखिए भी, देखिए ये जहां सिख तक धर्म सनातन देखिए धर्म का हिस्सा नहीं है। गुरु गुरु ग्रंथ साहब में हरि शब्द आता है, राम शब्द आता है कितनी बार, हरि मंदिर जो है गोल्डन टेंपल का नाम है ओरिजिनल हरि मंदिर साहब। भाई सिखों का जो सबसे हर्षी धार्मिक सबसे पूजनीय पुस्तक है, उसमें तो मैं समझता हूँ कि हजारों बार हरि का और भगवान राम का नाम है, और सारे गुरुओं ने हर्षी जितने भी गुरु आए सबने मंदिरों का दर्शन किए पूरे देश में, और घूमे और माथा टेका सभी मंदिरों में जाकर, तो
अगर वो सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग मानते तो उनको क्या जरूरत थी हिंदू धर्म के मंदिरों में जाकर गुरुओं को माथा टेकने की? और बिल्कुल भी देखिए, नहीं थी। और सिख धर्म में तो थोड़ा सा हम ये भी जो हम चीजें समझते रहे हैं कि एक पंथ की तरह है, और इसमें एक परंपरा बनी थी कि हर हिंदू परिवार मुगलों से लड़ने के लिए अपने बड़े बेटे को सिख बनाएगा, उसके बाल बड़े होंगे, केश बढ़ाएगा वो। ये जिस तरह से होता था कि हम आर्मी में भेजेंगे एक आदमी को, अपने सिखों में कल्चर रही है, आज भी हर परिवार से जो है आर्मी में आदमी मिलेंगे आपको वहां पे, और तो बड़े राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोग रहे हैं। बिल्कुल हर्ष जी, आप देखोगे कि महाराजा सूरजमल के परिवार की जो जाट रियासत थी भरतपुर की, उसकी शादी पंजाब के जो सिख रियासत के राजा थे उनकी बेटी के साथ हुई थी। तो ये तो बिल्कुल था ही नहीं, केवल ये था कि हिंदुओं से एक बेटा बड़ा मुगलों से लड़ने के लिए वो हाँ अब गुरु के पास जाएगा और वो सिख पंथ के लोग कहलाए जाएंगे, और एक बेटा उनका हिंदू रहेगा। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं वो जो केश बड़े, जहां वो केश बड़े करना, दाढ़ी रखना, वो सब इसलिए था कि जिससे मुगलों से लड़े उनके जैसे लगें और उनके उनका जैसा एक वो बने, रोब धोब वाली इमेज हाँ बने। बिल्कुल हर्ष जी, वो तो देखिए क्या था कि वो वक्त ऐसा था कि हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए जो हमारे सिखों के गुरु हैं उन्होंने एक फौज, खालसा फौज तैयार की थी। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, बाल बड़े रखने का बहुत सारे लॉजिक उसके दिए जा सकते हैं कि भाई हमें जंगलों में रहना पड़ेगा, मुगलों के खिलाफ लड़ना हाँ, पड़ेगा, बाल तो कहाँ कटवाएंगे। हम अगर ये चीजें वहां करेंगे तो निश्चित तौर पर दुश्मन हमारा भेद ले सकता है, हमारे पर हमला कर सकता है। तो गुरुओं ने ये खालसा जो फौज बनाई थी ये केवल मुगलों से रक्षा करने के लिए और मुगलों का विरोध करने के लिए बनाई थी। तो अब ये अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यही जानना चाहूंगा कि आज के भारत में जिस तरह से हम हमेशा से जानते रहे हैं, मैंने अभी पहले भी कहा कि जो सिख हैं हमारे देश में उन्हें एक कर्मठ कौम माना जाता है, आर्मी में लड़ना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होने की एक उनमें वो है, ऐसी ऐसी कौम कैसे जो है अलगाववाद के रास्ते पर निकल गई, ये एकदम समझ से बाहर है। देखो हर्ष जी, आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हमारे विचारों को प्रभावित करता है, और ये जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं, जो उस वक्त जब यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद केपीएस गिल पंजाब में आए, उन्होंने वहां आतंकवाद को जड़ से खत्म किया, तब ये बहुत सारे लोग विदेश में चले गए थे, ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां से बैठकर ये पंजाब में सारी की सारी इस तरह की थॉट की वीडियो भेजते हैं कि भाई महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पर राज किया। ऐसे तो हर राज्य में जब 662 रियासतें थी तो हर सब कोई जगह ना कोई था, राजा था उसका, राजस्थान में अलग तो अलग थे, हर लेकिन साउथ में अलग थे, सब जगह थे वो तो। बिल्कुल लेकिन भारत तो सम्राट अशोक के टाइम से, सम्राट चंद्रगुप्त के टाइम से, सम्राट विक्रमादित्य के टाइम से या उससे पहले भी भारत का कोई एक दिन का तो इतिहास नहीं हर चीज। भारत का इतिहास तो 5-6 हजार साल पहले से, तो आप हरियाणा में राखीगढ़ी में जो खुदाई है वहां रथ मिला है, तो हाँ तो ये तो तब कौन राजा थे? तब तो न हिंदू का सवाल था न सिखों का सवाल था। तो ये भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है, तो ये ऐसी ऐसी बातों का युवाओं को थोप दिया गया। वरना हम देखते हैं कि सिख पिछले 2 दिनों से अमेरिका में और पंजाब में, वो सॉरी अमेरिका में और ब्रिटेन में जो दूतावास पर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया था उसके विरोध में बड़ी संख्या में हमारे सिख भाइयों ने दिल्ली में उस घटना का विरोध किया है, हाँ, ब्रिटेन चाणक्यपुरी में में उस ब्रिटिश घटना का जबरदस्त विरोध एमबेसी के किया है बाहर प्रदर्शन और हुआ है। अमेरिका में उस घटना का हर्षदीप बहुत जबरदस्त विरोध किया है सिखों ने। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो जनरल बरार थे, वो सिख थे, वो क्या वो नहीं जानते थे इस बात को कि ये स्वर्ण मंदिर में जो आतंकवादी है उससे मुक्त कैसे किया जाएगा आतंकवादी से? वो जानते थे कि अगर हमें स्वर्ण मंदिर की रक्षा करनी है और गुरुओं के मान सम्मान को, गुरु ग्रंथ साहिब के मान सम्मान को बरकरार रखना है, तो निश्चित तौर पर स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करना पड़ेगा। और आज मैं समझता हूं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बुलाकर जो बात की थी, आज भारत सरकार और पंजाब सरकार निश्चित तौर पर पंजाब को उसी आतंकवाद से खत्म करना चाहती है जिस तरह से आतंकवाद
जनरल सिंह भिंडरांवाले के आतंकवाद को समाप्त किया गया था, वरना ये फिर देश के लिए एक नासूर बन सकता है हर सी भविष्य में। हाँ, और देखिए इसमें एक और भी फैक्टर है कि जो ब्रिटिश काउंसुलेट पे वहां पर हमारे दूतावास पे हमला हुआ, जिस तरह से मैंने वीडियो देखे, आपने भी देखे हैं, वो चढ़ गया ऊपर, जबरदस्ती झंडे को खींच लिया। इनमें से मुझे लगता है कि वहां पर काफी वीडियो कैमरे भी लगे होंगे, सीसीटीवी फुटेज भी होंगी। मेरा मानना है इन लोगों की जो है, इनको अगर छांट लिया जाए उसमें से वीडियो के, तो इनके जो कार्ड होते हैं, वो आईसी कार्ड होते हैं ना, जो आउटसाइड इंडियन सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए अगर इस तरह की कार्रवाई हो कि आपकी इंडिया में एंट्री बंद है, तो भी इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। निश्चित तौर पर हर्ष जी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोग तो उनमें इस कार्ड धारी हैं, बहुत सारे लोगों के पास आज भी डबल पासपोर्ट है, बहुत सारे हाँ लोगों के पास केवल इंडियन पासपोर्ट है, हाँ बहुत सारे हमारे रिश्तेदार भी कनाडा में और ब्रिटेन में और अमेरिका में हैं। हम जब उनसे बात करते हैं इस बात के लिए, तो वो भी चाहते हैं इस बात के लिए कि ऐसे मुट्ठी भर लोग, मुश्किल से ऐसे एक कंट्री में मुश्किल से 100 लोग होंगे, लेकिन 100 लोग क्या करते हैं कि किसी ने किसी बात के बहाने बुलाते हैं लोगों को। सभी लोगों को पता नहीं होता अर्जी, जो उनके इस आंदोलन में शामिल होते हैं, सब लोगों को ये पता नहीं होता कि ये आंदोलन भारत सरकार के या भारत को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। तब तो वो सिख उन्हें एकता धार्मिक की उसमें बात के लिए बुला लिया बुलाते जाता है हैं। कि साहब सिखों के लिए आयोजन है, सिखों के लिए अलग उसकी बात चल रही है, उन्हें बहकाया जाता है। हाँ, और इसमें अर्जी मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा होगा कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत से अलग कराने के लिए मुहिम चलाई थी, तो तब उसने बहुत विस्तार से कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, जबकि सच ये था जी कि भारत का सारा मुसलमान 99% धर्मांतरण के बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था, जबकि उनके सबके पूर्वज, उनके रीति रिवाज वो सारे सनातन धर्म के थे। तो ये थोट जो जिन्ना ने भरा था, उसी थोट के कारण कलकत्ता में उस वक्त बहुत बड़े राइट्स हुए थे हर्ष जी। तो क्योंकि आईएसआई इस काम के लिए पीछे लगी हुई है और बहुत सारे सिख अलगाववादियों को सपोर्ट करती है, भारत सरकार अभी भी देख रही है कि इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है अमृतपाल को, तो ये इनके पीछे वही ताकते हैं जिन ताकतों ने पहले भारत से पाकिस्तान को अलग करा था, इस बात को लेकर के हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। अब कहा जा रहा है कि हिंदू और सिख दो अलग कौमें हैं, जबकि कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं इस बात का आरसी, हिंदू सिख पंथ जो है वो सनातन धर्म की एक शाखा है जिसको इसके गुरुओं ने हमेशा निभाया है और हमेशा हिंदुत्व की रक्षा की है, हमेशा मंदिर की रक्षा की है हर चीज। हाँ, ये 200-400 लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों को, अब मुझे पता नहीं आता कि इन लोगों का स्वार्थ क्या हो सकता है। क्या ये खालिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इनके कोई व्यावसायिक हित हैं, ये भी एक रिसर्च का विषय है। हाँ बिल्कुल, ये मुट्ठी भर लोग हैं। उस वक्त भी आपने देखा होगा जनरल सिंह भिंडरांवाले के समय में भी आम सिख नहीं था बिल्कुल भी। आम सिख अगर खालिस्तान के पक्ष में होता तो भिंडरांवाले को डीआईजी अटवाल किशोर मंदिर की सीट पर हत्या क्यों की थी, कितना बड़ा क्वेश्चन था। यानी कि जो आम सिख वहां का या अधिकारी जितने भी थे या पंजाब पुलिस थी, ठीक है उस वक्त पंजाब पुलिस को काफी डेमोराइज किया गया था क्योंकि दिल्ली से सख्त आदेश बहुत बाद में मिले थे, इंदिरा गांधी को बहुत बाद में समझ में आई थी कि ये अब नासूर बन चुका है, वरना पंजाब की जनता ने तो हमेशा विरोध किया था। आपके ध्यान होगा जब 17 लोगों को एक साथ बस से उतार कर मारा गया था और एक सिखों को अलग किया गया था, पूरे पंजाब में सिखों ने बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो गया था कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन क्योंकि भिंडरांवाला उस वक्त इतना मजबूत हो गया था तो उसने वहां के सिखों की आवाज को भी दबा दिया था हर्षी। तो ये मुट्ठी भर लोग होते हैं। और इंग्लैंड में भी हुआ है, जो ब्रिटेन में परसों हंगामा हुआ और वहां पे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, वहां पे कल सिख कम्युनिटी के जो इंडियंस हैं वहां पे रहते हैं, उन्होंने उनका विरोध किया है, कल प्रदर्शन हुआ है, वहां पे हाँ भी प्रदर्शन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षी, बड़े पैमाने पर मैंने देखा कि अमेरिका में भी हम लोगों ने बातचीत की, अपने जो रिलेशन में हैं उन लोगों से बातचीत किए, अमेरिका में भी सिखों ने इस चीज को पसंद नहीं किया कि कुछ खालिस्तान के मुट्ठी भर लोग जाएं और वहां सैन फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास पर जो उन्होंने किया है हिंसक प्रदर्शन, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया, और ये अच्छी बात है। इससे होता क्या है कि कम्युनिटी के सारे लोग उससे
प्रभावित होते हैं, उनके कारोबार प्रभावित होते हैं। फिर कल लोग उनसे कहेंगे कि यार ये सिखों से बिजनेस डीलिंग नहीं करेंगे, उनका आर्थिक स्थितियां उनके सामने, 84 में ऐसी स्थितियां हो गई थी, मैं आपको बताता हूं, मेरे याद है, मैं तो खैर छोटा था उस समय जब ये दंगा फसाद हुआ और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई और सारी चीजें बदली। उस समय बहुत लंबे समय तक एक तरह से स्थिति ये बन गई थी कि एक जैसे कहते हैं कि सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार का फेस किया सिखों ने काफी समय तक इंडिया में। हाँ, ये तो हर्ष जी, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त में हमारे सिख भाइयों को, जो हमारे देश की सीमा पर देश की रक्षा करती है, बहुत मेहनती कौम है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हाँ, हमारे किसानों जितने के सिख रूप भाई विदेशों में रहते हैं वो डॉलर के रूप में भारत में पैसा भेजते हैं। तो अगर हम देखें तो सिख भाई तो बहुत आदर्श और स्नेह के पात्र हैं, में। उन पर तो हमें गर्व है। हमें आज मिल्खा सिंह को देखिए, कितने लंबे समय भारत ने ओलंपिक के विजेता के साथ कितना बड़ा गर्व किया। हम आर्मी में जाएं तो देखें कि आर्मी में एक से एक हमारा ऐसा सिख बटालियन है कि जिन्होंने कारगिल जैसे वक्त में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। बिल्कुल ऐसी बहादुर कौम को, ऐसी कौम को इस चंद आतंकवादी, चंद अलगाववादियों से हर जी वाकई ही श्रम का भी सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही खेद का विषय है कि अमृतपाल जैसे लोगों की वजह से एक दुनिया की महान कौम को शर्मिंदगी महसूस होती है, जब उसके खालिस्तान के अलगाववादी अनुयायी दुनिया के देशों में भारतीय दूतावास पर जाकर इस तरह के प्रदर्शन करते हैं। और इसीलिए आज सारे के सारे सिख कौम हर्षी ऐसे चंद अलगाववादी आतंकवादी के विरुद्ध खड़ी हुई है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, इसमें अभी आप क्या समझते हैं कि जैसे एक ये विचारधारा बनाई जा रही है कि सिख हम तो अलग हैं, हम हिंदुओं का हिस्सा नहीं है, या हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना ही है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो सिख संगठन है या जो सिखों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, जैसे कि अकाली दल वगैरह, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक, इन लोगों को क्या प्रयास करने चाहिए कि ये इस गैप को हाँ, खत्म किया देखिए जाए? ये हर्षी, आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है कि निश्चित तौर पर पंजाब के धार्मिक संगठनों को सामने आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बड़े गलतफहमी खत्म दुख होनी और जरूरी है। खेद बड़े दुख और खेद का विषय है कि कुछ समय पहले स्वर्ण मंदिर में संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, जो आतंकवादी घटनाओं में भारतीय सेना ने जिसको मारा था और स्वर्ण मंदिर से जिसको मुक्त करा था उस आतंकवादियों से, तो आज उसी की तस्वीर वहां लगाई गई है। तो हर्षी, हम लोगों को ये बिल्कुल निश्चित तौर पर उनसे अपील करते हैं हम, के जितने भी यहाँ सिख धर्म के जो धार्मिक नेता हैं उनको बहुत सख्ती से इस तरह की अलगाववादी ताकतों का विरोध करना चाहिए। ये अगर वो लोग समय से नहीं जागेंगे, आपने देखा होगा कि उस वक्त जो जितने भी अकाल तख्त के हमारे जत्थेदार थे, भिंडरावाले ने उन सबको एक तरह से बंदी बना लिया था, बंधक बना लिया था। वो तो भारतीय सेना ने आके मुक्त किया था, मुक्त करा था स्वर्ण मंदिर से उनको। तो आज अगर कोई ये सोचता हो कि अमृतपाल की सोच को या भिंडरावाले की सोच से हमें कोई लेना देना नहीं है, कल उनको निश्चित तौर पर फिर उसी दौर से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों को सामना आना चाहिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सामना आना चाहिए। मैं दिल्ली में पंजाब के एक नेता सिरसा जी हैं, मैं कल टीवी पर उनका देख रहा था हर्ष जी, उन्होंने कहा है कि ये इस कौम को सामना आना चाहिए कि, और अमृतपाल जैसे लोगों की मनसा का खंडन करना चाहिए कि सिख सनातन धर्म का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है, और ऐसे कोई हमारी कोई भी ऐसी शक्ति भारत से अलग नहीं कर सकती जो इस तरह पाकिस्तान और दूसरे देशों से फंडिंग के आधार पर भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। हर्ष जी, चलिए अशोक जी, देखते हैं हमारा संदेश लोगों तक पहुंचता है कि नहीं। हमारा तो प्रयास है कि जो वास्तविक तस्वीर है, जो पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रही है, उन चीजों को, तथ्यों को लोगों के सामने लाया जाए और लोग समझें कि सही क्या है, गलत क्या है, और कौन लोग हैं जिन्होंने ये गलत फहमी पैदा की। ये वही लोग थे जो इस भारत को 3 हिस्सों में बांट के गए। आपको याद होगा, पहले पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद बांग्लादेश बना, तो भारत का दो जी विभाजन केवल इसी आधार पर हो गए थे कि साहब हमारा धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, और परिस्थितियां आज भी वैसी की वैसी हैं, इससे कुछ सुधार नहीं हुआ। पाकिस्तान जो केवल धर्म के नाम पर बना हुआ शायद एकमात्र कंट्री है पूरी दुनिया में कि जिसका विभाजन ही धर्म के नाम पर हुआ, आज बर्बादी की राह पर है, इससे फायदा तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज, तो दुर्भाग्य है कि
अगर हम उस वक्त बात करें जब टेन डाउन ट्रेन हमारी पाकिस्तान से लाशों से भरकर आई थी 1947 में, आखिर किस सोच के लोग थे? वही सोच के लोग आज खालिस्तान की को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारी महिलाओं, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, उनके स्तन काट दिए गए थे हर्षी, हाँ सही तो बात, आज आज वे लोग अमृतपाल को, खालिस्तान को सपोर्ट कर रही है, और वे ताकते भिंडरांवाले को सपोर्ट कर रही थी। तो भारत के लोगों को इतिहास जानना चाहिए, अलगाववादियों को भी भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, और इस अमृतपाल सिंह जैसे व्यक्ति को भी इतिहास पढ़ना चाहिए कि आप किन लोगों के हाथों में खेल रहे हो। उन लोगों ने तो हमारी माता बहनों के साथ में बलात्कार किए थे, पूरी की बिल्कुल। पूरी टेन डाउन ट्रेन लाशों से भरकर आई थी। और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों ने ही भरा था, पंजाब का एक बड़ा पार्ट पाकिस्तान गया। जी बिल्कुल, तो उनको तो और ज्यादा पता होना चाहिए इस बात का कि जो लोग खालिस्तान की सोच के आपको पीछे से थोप दे रहे हैं, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया था। उनको तो ये पढ़ना चाहिए इतिहास। चलिए अशोक जी, धन्यवाद आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए, नमस्कार, और इस मुद्दे पर जो है हम आपसे आगे भी संपर्क में रहेंगे, और आप अपना जो रिसर्च वर्क है वो जारी रखिए। हमारे लिए इस तरह की जानकारी, आज आपने बताया कि जो फूट करो और राज करो की जो नीति अंग्रेजों की थी, उन्होंने पहले किस किस तरह से हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग किया, और वही लोग जो है बीज बोकर गए थे यहाँ पर कि हिंदू और सिख अलग हैं। आशा करते हैं कि लोगों की जी गलतफहमियां दूर होंगी और लोग एक बार फिर से साथ रहेंगे, सुख चैन से रहेंगे। धन्यवाद हर्ष। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।